हरियाणा के पिहोवा में डेंगू का डंक बेकाबू हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिहोवा के सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पिहोवा के सरकारी अस्पताल में ही करीब 10 लोग डेंगू के इलाज करवा रहे हैं। उधर निजी अस्पताल में डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। 2 साल पहले डेंगू ने पिहोवा में एक कहर ढाया था, उस समय कई लोगों की मौत हुई थी, जिसका डर आज भी लोगों के जहन में है। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। उनका कहना है कि प्रशासन ने अभी तक शहर में फॉगिंग भी नहीं करवाई है। और यहाँ पिहोवा की रहने वाली हूँ, यहाँ पर फॉगिंग नहीं कराई गई, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया ये सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि सफाई करवाए यहाँ पर और फॉगिंग वगैरह कराए, जिससे डेंगू के मरीज रोकथाम। मैं हम 11 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं, तो मेरे पति यहाँ एडमिट है 19 तारीख से, दीपावली वाले दिन से। तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि यहाँ पे भी सख्त से सख्त कदम उठाए। ये डेंगू की बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। भी 131 थे इनके प्लेट्स, घट के 70 हो गए हैं, 70,000 हो गए हैं। तो उनको कहें कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कदम उठाएं, ताकि बहुत बीमारी फैल रही है। मेरा नाम साक्षी है, उसमें मैं 8 दिनों से मेरे को डेंगू की ये प्रॉब्लम हो रही है। 3 दिन से एडमिट किया है यहाँ पे, ट्रीटमेंट तो चल रहा है, मुझे फ़र्क मिला है। डेंगू बहुत फैला हुआ है और मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, अभी थोड़ा फर्क है। तो कितने प्लेटलेट्स घटे आपके? अब मैं 99,000 रह गए हैं, डाउन है। पूरा पहले से सुधार है कुछ? हालत भी तो सुधार है, बट वैसे ज़्यादा चल नहीं पाती मैं उससे। मेरा नाम ऋषि है। हाँ जी, मेरे एकदम प्लेट कट गए दिवाली वाले दिन ही, और यहाँ डेंगू का ज़्यादा मारामारी हो गई है, तो प्रशासन को कहा जाए कि उसको ज़रा देखभाल करें। वहीं इस बारे में पिहोवा के SMO अजीत पाल ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। दिवाली के बाद काफ़ी मात्रा में डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये एक वायरल फीवर है, जिसमें NS1 सबका पॉजिटिव आ रहा है, और काफ़ी मात्रा में ये पेशेंट डेली प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो रहे हैं लोगों के। और ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है, उसमें सिर में दर्द होता है और सारे शरीर में वीकनेस फील होती है, उन पेशेंट को प्लेटलेट्स भी चढ़ाए गए हैं। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स दिवाली के बाद देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम करनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को इसके प्रति, जहाँ भी कहीं पानी खड़ा हो जाता है वहाँ मच्छरों को मारने का। अराउंड 15 से 20 पेशेंट अभी एडमिट हैं।